चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, जिसमें हम अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अर्थराइटिस के हम कॉजेज की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे, उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, एंड सो ऑन। बहुत लंबी कहानी है, उसे शॉर्ट टाइम में कवर करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जल्दी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दो, यही सब मुझे चाहिए आप सबसे, और आपका लव चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो शुरू करते हैं फटाफट से ये वीडियो, जिसमें बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। तो चलिए डीप इनटू द टॉपिक गो। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस की, एक रिव्यू की, तो ये मैंने लिखा है रिव्यू आर्टिकल, जिसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ पढ़ के एक कॉम्बिनेशन में लिखा है, जिसमें कहीं से चीटिंग नहीं की है, जिसमें कहीं से कुछ लिखा नहीं है। मैंने जस्ट उनसे आइडिया लेके अपना मतलब उनसे आइडिया लेके लिख लिया, जिसकी वजह से क्या है कि ये रिव्यू आर्टिकल बन चुका है। एक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अर्थराइटिस क्या होता है, एक ऐसा डिसीज होता है जिसके अंदर जो गोड्डे होते हैं ना, जो गोड्डे भी नहीं कह सकते, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जिसमें अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाती है। जॉइंट्स वो होती है जो हड्डियां होती है ना, दो हड्डियों को जो कनेक्ट करता है ना, उसे बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट यानी कि जॉइंट नाम से चल रहा है, जॉइन करना, यानी कि दो हड्डियों के बीच में जो मास होता है, उस मास को बोलते हैं जॉइंट्स। इट कॉजेज अ स्वेयर एकिंग सेंसेशन, जो इससे मतलब थोड़ी थोड़ी एकिंग मतलब दर्द वाली फीलिंग आती है, एंड डिस्कम्फर्ट, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। That is not too much wear in children. वो children में इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनकी calcium level जो content होता है उनके bones में, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। एंड प्रॉपर मूवमेंट्स ऑफ द मसल, उनके जो मूवमेंट मसल होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, वो काफी अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब कि उनकी जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज हैं, वो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं कि उनकी फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती है, जिसकी वजह से उनके जो जॉइंट्स हैं वो रिकवर होते रहते हैं, और जो उनके बोन्स और जो उनके मसल्स में जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहते हैं। हाउएवर विद द स्पैन ऑफ लाइफ स्पैन, अगर हम बात करें कि लाइफ स्पैन के स्पैन होने तक, यानी कि उसके निकलने तक, आर बोन स्टार्ट लूजिंग कैल्शियम लेवल, जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम लेवल लूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी बोन की डेंसिटी जो होती है, बोन मास डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, बोन डेंसिटी, वो कम होने लग जाती है, जिसके अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है वो भी कम होने लग जाता है, रिजल्टिंग इन इम्प्रॉपर मस्कुलर डेवलपमेंट। इसके जिससे क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होती है ना मसल और बोन की, वो होती है, कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, दैट कैन बी स्वेयर इन ओल्ड पीपल, एंड जो कि ओल्ड पीपल में बहुत ज्यादा स्वेयर हो सकता है और रेयर हो सकता है इन सम यूथ, ठीक है, ओल्ड पीपल में बहुत ज्यादा होगा, और यूथ यानी कि जवान होंगे उनमें बहुत कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या क्या सिचुएशंस फेस कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ये मस्कुलर डिजनरेशन की वजह से हो सकता है, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनके डिजनरेशन की वजह से जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट पेन से अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ सकते हैं, एंड जेनेटिकल वे ऑफ इनहेरिटेंस, और ये जेनेटिकल भी हो सकता है, जिसके बेस पे अगर हमारे पेरेंट्स को अर्थराइटिस है तो काफी चांसेस हो सकते हैं कि हमें भी अर्थराइटिस हो सकता है। जनरली द पेन डो नॉट गेट अनट्रॉलरेबल, जो पेन होता है वो जनरली इतना ज्यादा असहनीय नहीं होता कि वो सहनी ना हो, बट इट्स गेटिंग वेरी स्वेयर, लेकिन वो थोड़ा सा दर्दनाक होता है। इट कैन फर्दर लीड्स टू पेन सिंड्रोम्स एंड बोन डिसीज, ये पेन सिंड्रोम यानी कि ऐसे सिंड्रोम्स, ऐसे डिसीजेज जिसमें दर्द होता हो, ऐसे सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर बोन डिसीजेज, ऐसे हड्डियों के डिसीजेज हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑस्टियो डिसीजेज, जो कि ऑस्टियो यानी कि बोन से रिलेटेड होता है, ऑस्टियो मतलब बोन्स, विज अगर हम बात करें सच एज ऑस्टियोमेलाइटिस की अगर हम बात करें, ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकता है जिसमें हमारी बोन्स जो होती है फूल जाती हैं, ल्यूकीमिया होता है बोन कैंसर जिसे हम बोलते हैं, या फिर जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जिसे ब्लड कैंसर बोलते हैं, बोन में बोन मैरो होता है ना, तो बोन मैरो के थ्रू हमारे ब्लड के होते हैं टॉक्सिक हो सकते हैं। मेटास्टैटिक न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, मेटास्टैटिक यानी कि मेटास्टेसिस ट्यूमर की वजह से हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वो कनेक्ट होकर हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो जाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिससे पैरालाइज भी हो सकते हैं। फ्रैक्चर्स और बोन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, बोन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। अर्थराइटिस इन कॉमन टर्म मींस पेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, अगर हम अर्थराइटिस की बात करें कॉमन टर्म में, उसका मतलब है या तो दर्द होना या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉइंट्स की, जॉइंट फूल जाते हैं। वेयर एज जॉइंट पेन विदाउट इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड अर्थरैल्जिया, ठीक है। और अगर हम बात करें अर्थराइटिस की कॉमन टर्म्स में, कि अगर इन्फ्लेमेशन तो हो रही है जॉइंट्स में लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा, उसे हम बोलते हैं अर्थरैल्जिया, ठीक है। That could be due to disease in soft tissue, जिसमें जो soft tissue होते हैं उनमें disease हो सकता है, जो joints होते हैं उनमें disease हो सकता है, जो ligament होते हैं, tendons होते हैं, ligament होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों से connect करें, और tendons होते हैं जो हड्डियों को muscle से connect करें, ठीक है। ये दो हड्डियां हैं, इन दो हड्डियों को ligament ने connect कर रखा है, और जो ये mass है इस mass को हड्डी ने tendon से connect किया हुआ है। Degenerative arthritis such as osteoarthritis is generally a disease. अगर हम बात करें डीजेनरेटिव अर्थराइटिस की, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस होता है मतलब कि ऐसा अर्थराइटिस जिसमें हमारी बोन डीजेनरेट होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, हमारी जो मसल होती है वो खराब होने लग जाती है, बस इसमें डीजेनरेशन होती है यानी कि टूटने लग जाती है हमारी बोन्स या फिर जितनी भी मसल्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन से रिलेटेड जो अर्थराइटिस होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, विच इज जनरली अ डिसीज ऑफ लार्ज बियरिंग जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, जो बहुत ही कम टाइम्स में देखा जाता है और बहुत ही बड़े बड़े जॉइंट्स में देखा जाता है, कम टाइम के लिए लेकिन बड़े बड़े जॉइंट्स में देखा जाता है। ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज सच एज नीज की अगर हम बात करें, नीज में हो सकता है ये, हिप्स में, यानी कि जो
हमारे हिप्स होते हैं, हमारे जो लोअर बैक रीजन होता है उसमें हो सकता है ये। इन एडिशन टू इट ऑस्टियोआर्थराइटिस, OA मींस ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली स्ट्राइक्स द डिस्टल इंटरफेरेंशियल एंड फर्स्ट कैर्पो मेटाकार्पल जॉइंट। मैं समझाता हूँ क्या है। OA जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो कॉमनली स्ट्राइक करता है डिस्टल इंटरफेरेंशियल, जो हमारे फेरिंग्स होते हैं ना और लैरिंग्स होते हैं, हमारा जो ये थ्रोट होती है, साउंड बॉक्स होता है और फेरिंग्स होता है, इनके बीच में जो हमारा डिस्टल यानी कि इसके पीछे का पार्ट होता है ना, इसके पीछे का पार्ट जो होता है ये उसे टारगेट करता है। और जो कार्पो मेटाकार्पो होते हैं, मतलब कि ये होते हैं जो कलाई होती है ना, ये कलाई होती है कार्पल, और ये जो होते हैं ना ऐसे ये वाले पाम, ये जो पाम होती है ये होती है मेटाकार्पल, इनके जो हड्डियां होती है इनको बोलते हैं मेटाकार्पल, और ये जो कलाई होती है इसे बोलते हैं हम कार्पल। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होते हैं उनमें हो सकती है बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी की वजह से अर्थराइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होगी, स्पेशली इन वुमेन। और ये ज्यादातर वुमेन्स में देखा गया है कि वुमेन्स में अर्थराइटिस के चांसेस बहुत होते हैं। अगर हम वेरियस टाइप ऑफ अर्थराइटिस की बात करें, अर्थराइटिस भी काफी तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, बहुत मजा आने वाला है इसे पढ़ने में। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें जो हमारे हड्डियों में होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये अगर 10th क्लास के बच्चों ने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारे सेल्स होती है ना उनको एक फेक सिग्नल मिलता है हमारे न्यूक्लियस की तरफ से कि ना तुम ना अपने ही सेल को दुश्मन समझ लो। तो वो क्या करते हैं, वो खुद के सेल्स को दुश्मन समझ लेते हैं, खुद के सेल्स को फॉरेन सेल समझ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद के सेल को मारना शुरू कर देते हैं, और हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट की वीकनेस हो जाती है, और जॉइंट वीकनेस की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, जॉइंट अगर वो वीक होएंगे तो उससे जो लाइसोसोम्स निकलेंगे, डाइजेस्टिव सेल्स निकलेंगे, वो सारे के सारे उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक डेड सेल का क्लस्टर बन जाएगा। डेड सेल का क्लस्टर बनने की वजह से, डेड सेल का गुच्छा बनने की वजह से वो फूल जाएगी, और उस फूलने के ऊपर कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्टली केस में हम देख सकते हैं, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो मोस्टली उन केसेस में देख सकते हैं जब ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब जब हमारी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम ना इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जिसे हम साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं। आप याद रखो साइक्लोस्पोरिन ए एक नाम का इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, जब भी हमारा ऑपरेशन होता है या फिर हमारी सर्जरी होती है या फिर हमारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो हमारी बॉडी उसकी ना हैबिचुअल नहीं होती, तो उससे क्या आएगा, बॉडी उसे ना एक ना फॉरेन जीन समझ लेगी, एक फॉरेन थिंग समझ लेगी, एक फॉरेन ऑर्गन समझ लेगी, जिससे क्या होगा वो उसको एक थ्रेट समझेगी, और एक डेंजर समझने की वजह से क्या होगा कि वो उसको ना अटैक करना शुरू कर देगी और उसे मार देगी, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए हम ना थोड़ी देर के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए ऐसा होता है जो हमारे इम्यून सेल्स को ब्लॉक कर देता है, हमारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, उनके ना जो टी ए सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, उनकी जो प्रोमोशन होती है उनको रोक देता है थोड़ी देर के लिए, सो डेट कि हमारे जो बोन्स, हमारी जो बॉडी है वो इम्यून सेल्स को ना निकाल पाए, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारी बॉडी रिलैक्स रहे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस इन एडल्ट्स, ये जो होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ये होता है बेसिकली हमारी बॉडी में जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, या फिर स्पिंडल फाइबर्स में नहीं, हमारे मस्कुलर जंक्शन होते हैं ना वो कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे एडल्ट्स में क्या होता है मोस्टली मस्कुलर डिजनरेशन की वजह से उनके बोन्स पैरालाइज हो जाती हैं, उनके बोन्स के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी रहती नहीं, और तो उनकी बॉडी में क्या होता है एक वीकनेस आई होती है, जिसकी वजह से हमारे एडल्ट इसे फेस करते हैं अर्थराइटिस को, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाती है। जुवेनाइल क्रॉनिक अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो मोस्टली अर्थराइटिस जो होता है वो चिल्ड्रंस में पाया जाता है। जुवेनाइल मतलब चिल्ड्रंस, और जुवेनाइल मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि हमारा शुरू शुरू का बचपन का फेज होता है, तो जुवेनाइल मतलब शुरू शुरू का इनिशियल फेज, और क्रॉनिक ये अर्थराइटिस अगर होता है तो ये पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अर्थराइटिस जब होता है वो चिल्ड्रंस में होता है। गोट की अगर हम बात करें तो अगर हम प्रॉपर टाइम पे यूरिनेशन ना करें, प्रॉपर टाइम पे वॉशरूम्स ना जाएं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वॉशरूम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे सेल्स के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो सेल्स ना डाइजेस्ट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और एक डेड सेल का गुच्छा बना लेते हैं, डेड सेल का क्लस्टर बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो यूरिन होता है ये हमारे नीज में स्टोर हो जाता है, हमारे पाम में स्टोर हो जाता है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ स्टोर हो जाता है, हमारे स्टमक में, लीवर में स्टोर हो जाता है, किडनीज में स्टोर हो जाता है, जिससे हमें गाउट हो सकता है, यानी कि किडनी स्टोन भी हो सकता है, गाउट भी हो सकता है, गाउट मतलब हमारी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यानी घुटने को बोलते हैं ना कि घुटने में हमारे क्या हो गया, घुटने हमारे सूख गए, तो सूखने की वजह से क्या होता है गोट हो जाता है। ठीक है, यूरिनेशन की वजह से, क्योंकि यूरिन जो होता है वो हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हार्ट टॉक्सिक गैसेज रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो सफर करेंगे। स्क्लेरोडर्मा भी एक तरह का, स्क्लेरोडर्मा भी एक तरह का ये अर्थराइटिस है, और सिस्टमिक ल्यूपिस एरिथ्रोमोटोसिस ये भी एक तरह का अर्थराइटिस है।
प्रिवलेंस ऑफ अर्थराइटिस की अगर हम बात करेंगे, अर्थराइटिस हमारी सोसाइटी में कितना फैल रहा है, तो अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए की बात करते हैं, है ना, ज्यादातर लोग आजकल वहीं तो जा रहे हैं, है ना, स्टडी वीजा लगा के आईलेट्स क्लियर करके यहीं तो जा रहे हैं। देखते हैं ऐसे क्या बात है। यूएसए बड़ा है, आई नो डेट, आई लव यूएसए, आई लव इंडिया, आई लव एवरी कंट्री, आई लव एवरीबडी, ओके, सो आई एम एवरीबडी ऑफ देम, ठीक है। तो कुछ गलत मत समझना, आई लव एवरीबडी एंड आई लव ऑल ऑफ यू, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है उनको भी। अर्थराइटिस एक ऐसा कॉमन क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्ट होते हैं, 10 लाख से ज्यादा, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग जो होते हैं वो सफर करते हैं, यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग सफर कर ही रहे हैं, करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं इससे इन द यूएसए। अगर हम यूएसए की बात करें, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करें, अमेरिका की, है ना, साडा अमेरिका, प्रेवलेंस रेट ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड अर्थराइटिस, जिन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया अर्थराइटिस का, उन्होंने ये पाया कि 15%, यानी कि 40 मिलियन लोग, यानी कि कम से कम 400 लाख, 4 करोड़ लोग जो हैं 1990 तक क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे, और अब कम से कम 60, यानी कि 6 करोड़ लोग जो हैं, यानी कि 18.2%, वो 2020 तक सफर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें विद ओल्डर पीपल, वुमेन एंड दोज विद लेस एजुकेशन और लोअर इनकम बींग एट ग्रेटर रिस्क, जिन्हें बेसिकली ओल्डर लोग हैं, जो थोड़े उम्र में बुजुर्ग हैं, वुमेन्स, जो हमारे वुमेन्स हैं, हमारे फीमेल्स हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी लाइक श्रीमती जो होते हैं ना, श्रीमती, वो हैं वुमेन्स, एंड दोज विद लेस एजुकेशन, जिन्हें इतनी एजुकेशन नहीं है, जितना इतना पता नहीं है अर्थराइटिस के बारे में, लोअर इनकम, जिनकी इनकम थोड़ी सी लो है, अपना इलाज नहीं करा सकते, वो बहुत ही ज्यादा रिस्क पे है इस टाइम, जिसकी वजह से वो क्या कर पाएंगे, अपने को बचा नहीं भी पाएंगे, बचा भी नहीं पाएंगे अपने आप को। एज इज द मोस्ट पावरफुल रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम बात करें एज की, यानी कि उम्र की, तो उम्र हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि हमारे बोन अर्थराइटिस के लिए क्या है, बहुत एक पावरफुल रिस्क फैक्टर है। जिस जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट 68% ऑफ द इंडिविजुअल ओल्डर देन 55 ईयर्स हैव रेडियोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ ओए। हमारे पारे यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, आई लव यूएस, आई लव यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की बात करेंगे, अभी रुको, हंसते रहो लाइफ में। इट इज एस्टिमेटेड दैट 68% ऑफ द इंडिविजुअल ओल्डर देन 55 ईयर्स हैव रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ ओए। इसमें क्या होता है कि बेसिकली 68%, इफ आई विल एक्सप्लेन, इफ आई शुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश, देन आई मस्ट से दैट इट इज एस्टिमेटेड दैट 68% ऑफ द इंडिविजुअल ओल्डर देन फीमेल 55 ईयर्स हैव रेडियोग्राफिक एविडेंस। आई जस्ट मीन टू से इज द पर्सन हु आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ 68% ऑफ द इंडिविजुअल दैट आर इन 55 ईयर्स और ओल्डर देन दैट हैव रेडियोग्राफिक एविडेंस, मीन दे हैव बीन प्रूव्ड दैट द ओए दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड एट अ पर्टिकुलर रिस्क चांसेस दैट आर नॉट इवन ग्लोबली इंक्रीजिंग बट ऑल्सो एट अ हायर स्केल इट इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट। We should at least take care of the arthritis and we should at least take care of ourselves that we may not affect ourselves in case of any of this, because arthritis can be any, not only because of osteoarthritis but also because of rheumatoid also. So you can suffer a lot. वापस हिंदी पे आते हैं, तो US is growing older the over 65 age group. अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए हो, हिंदी में भी चाहिए हो, मैं सबके लिए लेके आऊंगा, फिक्र मत किया करो, आपको दीपक है ना साथ में। The US is growing older, यानी कि US की अगर हम बात करें तो ओल्डर होता जा रहा है, यानी कि 65 एज ग्रुप के जो है वो 4% ऑफ द पॉपुलेशन 1900 तक तो सफर कर ही चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें 12.4% तक 1988 में हो चुकी है, और अगर हम बात करें 22% की, तो 2030 तक 22% जो पॉपुलेशन है वो अर्थराइटिस के शिकार हो चुकी होगी। एज द एज ऑफ आर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, हमारी जो एज है वो पॉपुलेशन की वो इंक्रीज होती जा रही है, तो हैज द प्रेवलेंस ऑफ अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस का खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। 43 मिलियन इंडिविजुअल, यानी कि हर एक में 6 में से एक इंसान जो है वो अर्थराइटिस का शिकार है, एंड मोस्ट आर ओल्डर देन 45 ईयर्स, और जो कि 45 ईयर्स से ओल्डर है, मतलब 45 ईयर्स से बड़े हैं। बाय द ईयर 2020, 2020 तक जो 60%, यानी कि 59.4 मिलियन पीपल हैं, समझ लो 4 करोड़ लोग, 4 करोड़, सॉरी 60 लाख, 6 करोड़ लोग जो हैं इन द यूएस, यूएस में जो 6 करोड़ लोग हैं वो अर्थराइटिस अफेक्ट हो चुके होंगे, जिसकी वजह से उन्हें क्रोनिक डिसेबिलिटी, यानी कि पूरे लाइफ टाइम तक डिसेबल्ड रहेंगे, डिसेबल्ड इन द सेंस कि उनकी बोन डेंसिटी कमजोर हो जाएगी, वो दूसरों के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो खुद को जी नहीं पाएंगे, उनको जॉइंट पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा, एंड कॉस्ट बाय मोर देन 25%, और 25% से ज्यादा कॉस्ट लगेगी अपना इलाज करवाने में। द एनुअल कॉस्ट टू सोसाइटी इन मेडिकल केयर एंड लॉस्ट विलेजेस, लॉस्ट वेजेस इज करंटली एस्टिमेटेड टू बी 65 बिलियन डॉलर। अगर हम बात करें कि पूरी की पूरी मेडिकल सोसाइटी और मेडिकल केयर में जितने भी वेजेस जाएंगे, जितना भी आय लगी है, जितने भी कर लगे हैं, वो लगा है हमारा 65 बिलियन डॉलर्स, यानी कि हमारा 65 बिलियन डॉलर्स होते हैं। आप कैलकुलेट कर लेना, 6 से मल्टीप्लाई, पता नहीं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना खर्चा आ जाएगा, एंड इट्स प्रोजेक्टेड टू एस्केलेट टू 95 बिलियन डॉलर्स, और इसे आज 95 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा 2000 तक,
2000 तक 95 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है होता यही है, होता ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या रिमेटॉइड ही होता है आर्थराइटिस भी। तो उसमें हमारे बोन डेंसिटी कम उधर हो जाती है और हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो हमारी बॉडी का एक सेकंड मोस्ट यानी कि फर्स्ट मोस्ट तो होता है हमारा इम्यूनोलॉजिकल, हमारा जो इम्यूनो सप्रेसिव अर्थराइटिस होता है ना होता है वो भी रिमेटोलॉजिकल ही है, लेकिन हमारे न्यूरोलॉजिकल जंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अर्थराइटिस है। लेकिन सेकंड नंबर पे आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बहुत ही कॉमन रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड इट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट जॉइंट डिसीज। और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही कॉमन जॉइंट डिसीज है विद अ प्रेवलेंस ऑफ 22-39% इन इंडिया। इंडिया इंडिया की बात आ गई है ना, खुश हो गए, खुश रह करो, हंसते हंसते मैं हूं ना आपके साथ, हंसते रहो जब तक आप मेरे सब्सक्राइबर हो और जब तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हो, हंसते रहो खुश रहो है ना, मजे से पढ़ेंगे मजे से करेंगे। आपको मेरे को सुनना ही तो होता है और क्या करना होता है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में तो आता ही होगा। अगर आता है तो प्लीज लाइक कर दो, अगर नहीं भी आता तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो कि आपको क्या नया टॉपिक चाहिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। 22-39% इन इंडिया, ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना ये सारे मेरे पास रिक्वेस्ट ही आ रही है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मेरे पास और दो तीन रिक्वेस्ट है अभी, मेरे पास और दो तीन या फिर एक दो रिक्वेस्ट है अभी पेंडिंग जहाँ पे मेरे को वीडियो बनानी है। अब हंसते रहा करो और अपने कमेंट डालते रहा करो, अपने आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो खुशी होती है मुझे है। 22-39% जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं यानी कि प्रेवलेंस कि 22-40% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वुमेन्स में बहुत होता है यानी कि पैरा जो वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने की वजह से ना जो उनके बोन डेंसिटी में चेंज आता है, उनके बोन लाइक बोन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से उनका जो बोन कैल्शियम लेवल है वो बहुत डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के बाद जब वो डिलीवरी देते हैं तो डिलीवरी के बाद उनका जो बोन डेंसिटी लेवल है वो कमजोर होने जाता है, जिसकी वजह से उनको वो अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल की उम्र तक वो अर्थराइटिस का शिकार हो सकते हैं और उनके जो सिम्टम होते हैं वो भी अपियर होना शुरू हो जाएंगे। वाइल रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस इज फाउंड इन 70% ऑफ दोज ओवर 65 ईयर्स, 70% तक के जो एविडेंसेस है वो तो ये कहते हैं कि 65 ईयर्स में सबसे ज्यादा अर्थराइटिस होता है। ओए यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें जो कि गोड्डों में होता है, वो एक मेजर कॉज ऑफ मोबिलिटी इंपेयरमेंट है यानी कि वो मेजर कॉज ऑफ लाइक मेजर कॉज ऑफ हमारी जो मूवमेंट होती है ना, हमारी जो लोकोमोशन होती है, हमारा जो चलना फिरना होता है, हमारा जो रहन सहन होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, पर्टिकुलरली अमंग फीमेल्स, और फीमेल्स में तो सबसे ज्यादा होती है। आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा फीमेल्स ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बचपन में ये बुजुर्ग एज में अपने चल नहीं पाते ठीक से, उन्हें लाठी लेके चलना पड़ता है, इसी वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाज एस्टिमेटेड टू बी द 10th लीडिंग कॉज ऑफ नॉन फेटल बर्डन। अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे बड़ा 10वें नंबर पे नॉन फेटल बर्डन है। नॉन फेटल बर्डन मतलब एक होता है फेटल बर्डन जो होता है फिटस की वजह से, जो हमारे प्रेगनेंसी का बर्डन होता है वो होता है, एक होता है हमारा नॉन फेटल बर्डन जो कि हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो हमारे प्रेगनेंसी के बाद एक अर्थराइटिस है जो हमारे बेबी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में जो अर्थराइटिस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस वो हमारे बर्डन का एक कारण है। आप यहाँ देख सकते हो कुछ ग्राफ है जो कि हमें बता रहे हैं कि एक है प्रेवलेंस ऑफ अर्थराइटिस इन सोसाइटी इन डिफरेंट ईयर्स, हर एक साल में कितना बढ़ता जा रहा है आप ये देख सकते हो ठीक है। और अगर हम बात करें ये इसमें इसमें अर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस ब्लू कलर का है और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज्यादा फैला हुआ है, जूम करके दिखाने हैं, ये लो जूम करो भैया जूम करो इनके लिए, तो ये देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे ज्यादा है क्वांटिटी में, उसके बाद है गोट, फिर उसके बाद है रिमेटाइड, फिर उसके बाद है बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, जिसमें एक है डायगनल और एक है प्रोजेक्टेड, ब्लू कलर का है प्रोजेक्टेड और ये रेड कलर का है डायगनल ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और प्रेवलेंस ऑफ अर्थराइटिस बाय एज ग्रुप फॉर यूएस मैन, यूएस की बात करें तो यूएस में हमारे पास ब्लू कलर में मैन है और पिंक कलर में वुमेन है। तो अगर हम बात करें इसकी तो आप यहाँ देख सकते हो कि वुमेन का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे जो मैन का नंबर है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 2030। ये कुछ केसेज हैं जो प्रेवलेंस बताते हैं ऑफ अर्थराइटिस, और ये कुछ ये ईयर्स हैं वो बताते हैं कि अर्थराइटिस पर ईयर के पर मिलियन ईयर्स कितने हो जाएंगे, मिलियन ईयर्स नहीं पर मिलियन लोग और ईयर्स, ये है हमारे लोग जो 40 मिलियन तक हैं, 50 मिलियन तक है, मिलियन है ठीक है, और ये है ईयर्स ठीक है। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो जॉइंट पेन एक ऐसा सिम्टम है जिसमें ये बात करता है बेसिकली किस बात क्या बात करता है, बात ही नहीं करनी हम तो, हमें नहीं बात करनी, मजाक कर रहा हूँ, मजाक करते रहना चाहिए। सम ऑफ द सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट पेन, हमारा जॉइंट पेन होने लग जाता है जिसकी वजह से हमारे चलने फिरने में हमारे मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम आती है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, हम जितनी ये 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 ये
मोशन ये कर रहे हैं ना मोशन, ये कमजोर हो जाती है, मतलब ऐसे हम ऐसे अटक जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अफेक्ट होगी, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाती है हमारे जॉइंट पे, यानी कि हमारे जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स जरूरी नहीं कि घुटनों में हो, यहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं, ये भी जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारा एक और ग्लाइडर जॉइंट है, ये हमें ग्लाइड कर रहे हैं ना, ग्लाइडर जॉइंट है, ठीक है, यहाँ हमारा सूचर जॉइंट है हमारी, ये देखो ये पूरी की पूरी हड्डी एक जगह रहती है, जो हिलती है ये हिलती है, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। और हमारा क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफॉर्मिटी हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में डिफॉर्म होने जाती है हमारी बोन्स, हमारा पोस्चर डिफॉर्म होने जाता है, हमारी बॉडी जो होती है ऐसे ऐसे होती है, ऐसे हो जाती है, या फिर ऐसे हो जाती है, या फिर ऐसे ऐसे हो जाती है, ठीक है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं जैसे आपको एक प्रैक्टिकल वे ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी कैसे हो जाती है। इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी इंस्टेबल हो जाती है, हमें कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती, कभी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन अच्छी हो जाती है, कभी नहीं होती, डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। रेडनेस और वार्मथ इन जॉइंट्स की अगर हम बात करें, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत लाल हो जाते हैं, गर्मी आने लगती है, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एटीपी एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमारी हीट एनर्जी बहुत इंक्रीज कर जाती है, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट एक्युमुलेशन होने की वजह से हमारा जो पित्त होता है वो इम्बेलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वात पित्त और जो कफ दोष है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है बहुत अनस्टेबल रह जाती है और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है, टायर्डनेस, हमारी बॉडी में थकावट होने लग जाती है, क्योंकि हमारी मसल जब पूरी मूवमेंट नहीं फॉर्म करेगी, पूरा एंगल नहीं कवर करेगी, तो हमें टायर्डनेस ही होगी, फीलिंग अनवेल, हमारी बॉडी जो है वो अनवेल फील करेगी, बीमार रहती रहेगी, ठीक है। तो कॉज ऑफ अर्थराइटिस इज, हमारे अर्थराइटिस का कॉज क्या है, अर्थराइटिस का कॉज है हमारे इम्प्रॉपर सिग्नलिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है उसकी प्रॉपर सिग्नलिंग ना होना, सिग्नलिंग पाथवेज के फॉर्मेशन ना होना, प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल जंक्शन की फॉर्मेशन ना होना, सो डेट की जो सिग्नलाइजिंग पाथवेज है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देगा, उनको थ्रेट समझ के, और अपने जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा लेगा। इसकी सेकंड बात करें, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा हमारे जॉइंट्स पे इतना प्रेशर डालता है कि वो जॉइंट्स को क्या कर देंगे, पेन होने लग जाएगा जॉइंट्स में, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मोटापा ही हमारा एक जॉइंट पेन का कारण बन जाएगा, अर्थराइटिस का कारण बन जाएगा। सबसे ज्यादा बीमारियां पेट से शुरू होती है, अपने पेट को सबसे पहले कम करो, जानते हो मेरे पेट भी ज्यादा है, अब मैं भी कम करूंगा, ठीक है, आप भी कम करो, मैं भी कम करूंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है, और देखना आगे आगे मेरी वीडियोस में मैं अपने पेट को कितना पतला कर दूंगा, ठीक है। एक्टिविटीज इंडल्जिंग रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉइंट, एक्टिविटी जो होती है वो पर्टिकुलर रिपीटेटिव मूवमेंट, एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीटेटिव करने से हमारे जॉइंट पेन होने लग जाता है, इंजरी टू द जॉइंट बाय परफॉर्मिंग द डेली एक्टिविटीज, हमारी डेली एक्टिविटीज करते करते जॉइंट में इंजरी आ गई, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो एकदम से हाथ टकरा गया तो उससे जॉइंट में प्रॉब्लम आ गई, फुटबॉल को किक कर रहे हो, फुटबॉल को किक करने से क्या हुआ, आपके जॉइंट में इंजरी आ गई, इम्प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेलते खेलते बैट को घुमाने से बैट आपके हाथ पे लग गया, या फिर बैट ने आपका हाथ घुमा दिया जिससे आपके हाथ में चोट लग गई, तो उससे आपके जॉइंट पेन हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग करना, लो बोन मास डेंसिटी, दूध ना पीना जिससे कि हमारी लो बोन मास डेंसिटी होती है, दूध पीते रहना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते रहो, पनीर खा लो, दही खा लो, उससे हमें कैल्शियम लेवल मिलता है, कैल्शियम लेवल मिलने से हमारी बोन मास डेंसिटी भी वीक नहीं होती, ठीक है। प्रॉपर एक्सरसाइज रखो अपनी बॉडी में। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ अर्थराइटिस इन्वॉल्व्स द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जो मैकेनिज्म होता है अर्थराइटिस का वो ये इंक्लूड करता है कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं ना, वो अपने इम्यून डिसऑर्डर यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कॉज कर देता है, जिसकी वजह से रिमिटेड अर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं ना वो अपने ही सेल्स को थ्रेट समझ के मारना शुरू कर देते हैं, एक्सीडेंटली डैमेजेस द टिश्यू, और जो अपने टिश्यू को डैमेज करके मारना शुरू कर देते हैं एंड जॉइंट ऑफ द बॉडी। रिमिटेड अर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, रिमिटेड अर्थराइटिस जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन, मैंने क्या कहा था, सेकंड नंबर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फर्स्ट नंबर पे रिमिटेड अर्थराइटिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमिटेड अर्थराइटिस जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन क्रॉनिक फॉर्म, यानी कि पूरी लाइफ टाइम चल सकता है, इतना कॉमन है। एंड इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का फॉर्म है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1% होता है लोगों को, बहुत ठीक है, बहुत डेंजरस होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द जीन्स एंड एनवायरनमेंट, ये जो होता है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन की वजह से होता है जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच में, जो कि लीड करता है ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून टॉलरेंस, जो कि हमारे इम्यून की टॉलरेंस होती है, इम्यून सिस्टम की टॉलरेंस जो होती है उसे ब्रेकडाउन करके साइनोवियल इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है, यानी कि हमारा जो साइनोवियल फ्लूड होता है, हमारी जो लुब्रिकेशन होती है जॉइंट्स के बीच में, उसे क्या करता है, इन्फ्लेमेट करना शुरू कर देता है, यानी कि फूल आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो फूलने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट ना एक दूसरे टकरा टकरा के हमारी बॉडी में पेन कॉज करते हैं इन अ कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिक वे, और ये सिमेट्रिकल भी होते हैं, जिसकी वजह से जितना पेन उस दूसरी मसल को होगा उतना ही पेन पहली मसल को होगा।
डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म प्रमोट एंड रेगुलेट इन्फ्लेमेशन एंड मैट्रिक्स डिस्ट्रक्शन। जो डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म होता है यानी कि वो प्रमोट जो डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म होता है वो प्रमोट करता है रेगुलेट करता है इन्फ्लेमेशन एंड मैट्रिक्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो मैकेनिज्म चल रहा होता है ना वो प्रमोट करता है इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन होती है, मैट्रिक्स होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल के बीच का जो मैट्रिक्स होता है यानी कि फ्लूड होता है लिक्विड होता है उसे डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है, उसे ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देती है इंक्लूडिंग डैमेज टू द बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है ना ये जो कार्टिलेज होता है ये जो कार्टिलेज होता है ना इस कार्टिलेज को ब्रेक करना शुरू कर देती है एंड डैमेज टू द बोन्स, वो डैमेज करती है बोन्स को। ठीक है, गिवन द हेट्रोजीनियस रिस्पॉन्स टू थेरेपी, ये जो होती है हेट्रोजीनियस रिस्पॉन्स करती है थेरेपी को। इट इज क्लियर डेट आर ए इज नॉट अ सिंगल डिसीज, जो आर ए है यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो एक सिंगल डिसीज नहीं है, इंस्टेड वो बहुत सारे डिसीज के सिम्टम्स का कोज है कि बहुत सारे सिम्टम्स जो अराइज करते हैं ना तो उससे हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं, इंस्टेड वो एक पूरा पाथवे है ऑटो रिएक्टिविटी का एंड साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन का जिससे हमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस जेनेटिक एपिजेनेटिक फैक्टर्स से ट्रीट करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स भी हमें आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं, एपिजेनेटिकल फैक्टर्स भी हमें आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हमें आर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारी बॉडी को ट्रिगर करके हमारी बॉडी में म्यूकोसल सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में म्यूकोसल सेल यानी कि म्यूकोसा क्या होते हैं मास होता है ना हमारी बॉडी का, ये जो मास होता है इसे बोलते हैं म्यूकस। तो ये म्यूकोसल सरफेस जो होता है सच एज एक्सपोजर टू सिगरेट, जैसे हम सिगरेट पीते हैं स्मोक करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे जितने भी पाथवेज होते हैं ना जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक करके हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल जंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है प्रॉपर सेल मेटाबॉलिज्म ना मेंटेन होने की वजह से हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पे सेल्स का एक बंडल बन जाता है डेड सेल्स का जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हमें आर्थराइटिस हो सकता है। पेप्टाइडल आर्जिनिन डी एमिनेसिस यानी कि जो पेप्टाइडल आर्जिनिन डी एमिनेस है वो क्या करते हैं वो इंड्यूस होता है एंड कैन मॉडिफाई पेप्टाइड्स और जो होता है वो मॉडिफाई कर देता है पेप्टाइड्स को जिससे वो आर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देता है। मॉडिफाइड प्रोटीन इन टर्न आर प्रेजेंट टू टी सेल्स, जो मॉडिफाइड प्रोटीन होते हैं वो टी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स सच एज डेंड्रिटिक सेल्स की बात करें। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम पाथवेज होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ये तो पता है आपको। ठीक है, पेप्टाइडल आर्जिनिन की अगर हम बात करें तो पेप्टाइडल आर्जिनिन डी एमिनेस नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, जो पेप्टाइड होते हैं प्रोटीन्स होते हैं आर्जिनिन को वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देता है। हमारी बॉडी में जो मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को तोड़ मरोड़ के एक नया कंपाउंड बनाते हैं डेरिवेटिव बनाते हैं, उस डेरिवेटिव को हम टी सेल्स में वो पाते हैं टी सेल्स के अंदर पाते हैं जो कि क्या करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स के साथ प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ क्या करता है बाइंड करता है। जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स की बात करें जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं ना बाल होते हैं स्किन पे, इन स्किन को डेंड्राइट्स बोलते हैं, जो इस बालों को डेंड्राइट्स बोलते हैं जो कि अगर आप पिंच करो अपने आप को तो पिंच करने से आपकी जो पेनिंग सेंसेशन सामने आएगी पेन आपको दर्द होएगा उस दर्द की वजह है डेंड्राइट्स कि आपके डेंड्राइट्स आपको आपके जो न्यूरोलॉजिकल जंक्शन है उनके जो सिग्नल रिसीव करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ब्रेन तक वो सिग्नल लेके जाते हैं और फिर ब्रेन हमारे रिएक्ट करता है कि हमें पेन हो रहा है इसे छोड़ो जल्दी। व्हाइल दिस इवेंट कैन अकर इन म्यूकोसा, ये जो इवेंट होते हैं म्यूकोसा में भी हो सकते हैं म्यूकस लेयर में भी हो सकती है लेकिन आल्सो टेक प्लेस इन सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो ये होते हैं ये सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फ होते हैं यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कलरलेस पार्ट होता है ब्लड का लिम्फ ऑर्गन्स जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि हमारे हमारे यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी इम्यून सिस्टम के होते हैं प्रेजेंट एंड लीड टू द लोकल एंड सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है अगेंस्ट द ऑल्टर्ड पेप्टाइड, जो कि पेप्टाइड यानी जो प्रोटीन है वो मॉडिफाई हो चुके हैं उनके अगेंस्ट क्या करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइनेस ग्रेजुअली इंक्रीज इन द सर्कुलेशन, जो एंटी सिट्रुलिनेटेड जो हमारा सिट्रुलिन बना था ना उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनती है जिसे हम बोलते हैं एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी और उसके अगेंस्ट जो साइटोकाइनेस होते हैं साइटोकाइनेस मतलब हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द इन द ईयर्स बिफोर आरए सिम्टम्स अकर, हमारे सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं ब्लड को हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके सिम्टम्स अकर होने शुरू हो जाते हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं। व्हाइल द इमीडिएट इवेंट दैट लीड्स टू द सिनोवाइटिस, जो हमारे इमीडिएट इवेंट होते हैं जिसमें हमारे सिनोवियल फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसे हम सिनोवाइटिस बोलते हैं are not known, इसके जो कोई पर्टिकुलर इंटरमीडिएट इवेंट है वो पता तो नहीं चलते लेकिन इट लाइकली इन्वॉल्व द सेकेंड हिट, लेकिन ये जो कुछ एक ऐसा हिट की तरह है यानी कि एक ऐसे ट्रिगर की तरह है एक ऐसे स्टेप की तरह है
जिसमें फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होती है, यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम रिलीज करते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, दैट इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। ऐसे कंपाउंड जो वैस्कुलर यानी कि हमारे जो वेसल्स होते हैं आर्टरीज वेंस कैपिलरीज उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करके साइनोवियम एंड एक्टिव साइनोवियल सेल्स उनके जो साइनोवियल सेल्स की लुब्रिकेशन है उनके अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स और आर्टरीज के अंदर कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है साइनो वो फूलने लग जाती है। स्मॉल मॉलिक्यूल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑटो एंटीबॉडीज जो स्मॉल स्केल इंटरमीडिएट्स होते हैं यानी कि स्मॉल स्केल मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, साइटोकाइनिन जो इम्यून सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कीमोकाइन जो केमिकल साइटोकाइनिन होते हैं, एंड मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज जो हमारे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज होते हैं, या एक कॉम्बिनेशन होता है मैट्रिक्स एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर मेटल कंपाउंड्स ऑफ प्रोटीनेज यानी कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं सब्सिक्वेंटली कंट्रीब्यूट टू द इनिशिएशन एंड परपिटेशन ऑफ अर्थराइटिस, जो कि प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इनिशिएशन यानी कि अर्थराइटिस की शुरू करने में हेल्प कर देते हैं। हमारे प्रोटीन्स का रोल है इसके अंदर। साइनोवियल इन्फ्लेमेशन ऑल्सो एक्टिवेट्स मीसेनकाइमल सेल्स। हमारे बॉडी में पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा होते हैं, तो हमने पढ़ा होगा स्क्लेरेनकाइमा तो उसमें होते हैं कोकोनट में। अगर हमारी बॉडी में वो प्लांट्स में पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में मीसेनकाइमल सेल्स होते हैं। साइनोवियल इन्फ्लेमेशन जो होती है मीसेनकाइमल सेल्स में एक्टिवेट होती है जॉइंट में, जिससे हम कहते हैं आई कैन एग्जिबिट अग्रेसिव बिहेवियर, जो हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एक अग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर शो कर सकते हैं, एंड कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय कार्टिलेज जो कि हमारे कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाइल ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि हमारे ऐसे सेल्स जो कि हमारी बॉडी में डैमेज कॉज करते हैं सबकॉन्ड्रियल बोन्स को, सबकॉन्ड्रियल मतलब जो कार्टिलेज के बीच में बोन्स होती हैं उनको बेसिकली डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उनके बिहेवियर उनके जो पोस्चर को डिफॉर्म करके। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन बिगेन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ आरए। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की, यानी कि ऐसा लॉस होएगा हमारे आर्टिकल्स हमारे जो ये कार्टिलेजेस होते हैं इनके अंदर ऐसा लॉस होगा कि वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, एंड बोन्स में भी ऐसा होगा ऐसा चेंज आएगा जिससे वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है कि सून द ऑनसेट ऑफ आरए जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इंक्रीज हो जाएगा, एंड अर्ली इंटरवेंशन कैन इंप्रूव लॉन्ग टर्म आउटकम्स। जो अर्ली इंटरवेंशन होते हैं वो लॉन्ग टर्म आउटकम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो सिम्टम्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म आउटकम्स के लिए, यानी कि बहुत लंबी रेस है भैया, बहुत लंबी रेस है, आपको भुगतना पड़ेगा, या फिर आप भुगतोगे भी नहीं, आगे जो मैं बताने वाला हूँ उससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। रोल ऑफ डाइट एंड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो अर्थराइटिस की रोल क्या होती है डाइट की, योर बॉडी वर्क्स बेस्ट व्हेन यू ईट अ वाइड रेंज ऑफ हेल्दी फूड। जो आप हेल्दी फूड खाते हो उससे अर्थराइटिस ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो जो मैं आप बताने जा रहा हूँ ना उसे पढ़ के भाग मत जाना, देखो ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे पढ़ के भाग मत जाना, अभी बताता हूँ क्यों भागोगे आप, लेकिन भाग मत जाना, पूरा सुनना पहले। कुछ लोगों की आदत होती है आधा सुनते हैं और चले जाते हैं, जाना मत, पहले पूरा सुनना, एंड तक सुनना इस वीडियो को। देखो एंड तक भी नहीं तो दो स्टेप आगे की सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा प्लीज, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों भागोगे आप। मोस्ट पीपल फाइंड इट दे फील बेटर इफ ईट अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट खानी पड़ेगी, हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी, वेरिड डाइट यानी कि डिफरेंट वेरिएबल टाइप ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे टू गेट ऑल द विटामिन्स। हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए एंड अदर न्यूट्रिएंट्स देयर बॉडी नीड्स, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो उनकी बॉडी को चाहिए। ट्राई टू ईट अ मेडिटेरियन स्टाइल, भाग मत जाना, ऐसे मेडिटेरियन स्टाइल डाइट खाओ जिसमें फिश होती है, मछली, वेजिटेरियंस होंगे वो भाग जाएंगे, भागना मत, दो मिनट सुन लो आगे बढ़ना, ठीक है। फिशेज होती है, पल्सेस, दालें तो खा सकते हो, नट्स, नट्स होते हैं जो दाने वो मूंगफली के दाने या फिर जो नट्स होते हैं वो भी खा सकते हो, ऑलिव ऑयल से बनी हुई सब्जियां खा सकते हो, खा सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रूट, फ्रूट खा सकते हैं, खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड हैविंग एन एडिक्वेट फ्रूट फ्लूड इनटेक, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में हाइड्रेशन कंटेंट और फ्लूड इनटेक जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो हमें बेटर एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है एंड हेल्प अस टू मेंटेन आवर वेट, जिससे हमारा वेट है वो मेंटेन रहता है। हमें क्या करते हैं, गिव एक वेल बीइंग की सेटिस्फेक्शन देते हैं, विच मे हेल्प इंप्रूव योर सिम्टम्स, जो हमारे सिम्टम्स को इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं, हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। ऑलवेज सीक द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, मैं पहले ही बोल दूं, पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लेना, डाइटिशियन की सलाह ले लेना, ये पता ना चले कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हो उससे जो आप खा रहे वाले हो वो आपके डाइटिशियन ने मना किया था, लेकिन अब मेरे कहने पे आपने खा लिया और वो आपकी दवाई से रिएक्ट करके। देखो मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि इस सबको खाओ, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि आप डॉक्टर की भी सलाह ले लो एक बार, ताकि आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ना आए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो और मैं आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आने दूंगा। यू मे बी रिस्ट्रिक्टिंग योर फूड इनटेक अननेसेसरीली और टेकिंग टू मच ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। आप ऐसे फूड है या तो आप खाते ही नहीं हो, या तो खाते भी हो तो इतनी लार्ज अमाउंट में खाते हो जिससे आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स की अमाउंट हाई हो जाती है,
जिससे आपके बॉडी पे इंपैक्ट आता है, जो मेडिसिन आप खाते हो उससे वो रिएक्ट कर जाती है, जिससे आपको क्या हो सकता है और भी डिसीज हो सकते हैं। टिप्स फॉर मैनेजिंग योर डाइट इफ यू हैव अर्थराइटिस, अगर आपको अर्थराइटिस है तो आपको क्या क्या डाइट खानी चाहिए। ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट टू गेट ऑल द विटामिंस, बैलेंस डाइट खाओ ताकि आपको विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अपनी वैरायटी ऑफ फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, प्रोटीन फूड्स खाओ, डेयरी खाओ, डेयरी यानी कि दूध, दही, मक्खन, घी, नट्स खाओ, पल्सेस खाओ, पल्सेस मतलब दालें, सीरियल्स खाओ, सीरियल्स मतलब वो वाले सीरियल्स नहीं, सीरियल्स सीरियल्स मतलब हो सकते हैं जैसे मक्की हो सकती है, दाने हो सकते हैं या फिर आटा गेहूं हो सकते हैं। सीरियल्स अगर ये नहीं होते तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि देखो मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है सीरियल्स क्या होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही होते हैं, पल्सेस होती है दालें और सीरियल्स जो होते हैं वो होते हैं ये सब आटा गेहूं और ये सब, ठीक है। एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो दाने, हमारे जो सीड्स होते हैं ना, हमारे जो गेहूं के दाने होते हैं वो होते हैं ग्रेन्स। दिस विल हेल्प टू मेंटेन जनरल गुड हेल्थ एंड अ हेल्दी वेट, ये जो होते हैं जनरल गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और हेल्दी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आपको प्लेंटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट में खाना चाहिए, जैसे ऑयली फिश हो गया, इन लिनसीड्स हो गए, लिनसीड्स आते हैं, कैनोला ऑयल हो गया, वॉलनट्स हो गए, वॉलनट्स मतलब अदर वो अखरोट हो गए, फूड डेट आर फोर्टिफाइड विद ओमेगा 3 एस, कुछ ऐसे फ्रूट आते हैं, फूड आते हैं जो कि ओमेगा 3 एस से भरे हुए होते हैं, जैसे कि हो गए एग्स हो गए, मार्गरीन होगी, ठीक है। नहीं खाने तो मत खाओ, मैं आगे बताऊंगा आपके वेजिटेरियन डाइट भी बताऊंगा, फिक्र मत करो, आप दिक्कत भी रहते हो, सबको कवर करना है मुझे। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आप सब मेरी फैमिली हो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, यानी कि जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो, जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन कंटेंट रहेगा। इंक्लूड एडिक्वेट डाइटरी कैल्शियम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन लेटर लाइफ, अपनी बॉडी में प्रॉपर दूध पीते रहो, प्रॉपर दही खाते रहो, प्रॉपर फूड प्रोडक्शन को मेंटेन रखो, कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखो, ताकि आगे जाके आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन डेंसिटी का लॉस होना, जिससे हमारे बोन्स में क्या है पोर्स बन जाते हैं, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाती है, ठीक है। तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं और मोस्टली फीमेल्स में होती है प्रेगनेंसी के बाद। कीप योर वेट विद इन योर टारगेट रेंज, अपना जो वेट है वो टारगेट रेंज के अंदर रखो, ऐसा ना हो कि आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, और जो इंक्रीज कर रही है वजह से आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस डाल रहा है, और ऐसा ना हो कि वेट बियरिंग जॉइंट्स लाइक नीज एंड हिप्स, ठीक है, जिससे कि वो हिप्स और नीज पे क्या कर रहा है वेट डाल रहा है, जिससे आपको पेन हो रहा है। कीप अ फूड डायरी, एक फूड डायरी बना के रखो, जिसमें आप अपने फूड को लिखो कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। इफ यू कीप अ डायरी ऑफ योर फूड इनटेक एंड सिम्टम, After a month you have some idea about which food could be provoking symptom, ठीक है। आपको एक महीने बाद एटलीस्ट पता तो होगा कि कौन सा फ्रूट क्या कौन सा खाना किस सिम्टम को अवॉइड करता है। डिस्कस दिस रिजल्ट विद योर डॉक्टर और डाइटिशियन, अपने डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ इसे डिस्कस कर लेना, डिस्क्लेमर है अगर मैं जुबान फिसल रही हूं, I'm really sorry। Don't cut whole food groups from your diet, अपने खाने से क्या करो, अपने खाने से होल फूड ग्रुप्स को मत काटो, यानी कि अपने ये नहीं कि खाना ही बंद कर दो, खाओ होल फूड ग्रेन्स खाओ, फॉर एग्जाम्पल ऑल डायरी प्रोडक्ट, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स है वो खाओ विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर, एज यू मिस आउट एन इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल। इसमें डॉक्टर की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से ये खाते आ रहे हो, जिसमें आप क्या करो एक प्रॉपर विटामिन और मिनरल को छोड़ना दो। बी अवेयर द सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस पर्टिकुलरली द इन्फ्लेमेटरी टाइप कैन चेंज फॉर नो अपेरेंट रीजन, जो अर्थराइटिस होता है वो बिना किसी रीजन के भी चेंज हो सकता है। डोंट एज्यूम एन इंप्रूवमेंट इन योर सिम्टम इज ड्यू टू व्हाट यू ईट, ऐसा मत समझना कि जो इंप्रूवमेंट हो रही है वो आपको कुछ खाने पीने की वजह से हो रही है या फिर आपकी डाइट चेंज करने की वजह से हो रही है। अपने हेल्थ प्रोफेशनल से गाइडेंस ले लेना, अपने डॉक्टर को पूछ लेना, डाइटिशियन को पूछ लेना, ऐसा ना हो कि आपकी जो मेडिसिन चल रही है उससे वो रिएक्ट करके आपको नुकसान पहुंचा सके। काफी मेडिसिन होती है ऐसी, अब आप कहोगे कि ट्रीटमेंट तो बता रहे हैं भैया, लेकिन क्या बताओगे, मेडिसिन ले लो। नहीं, दीपक अग्रवाल कभी मेडिसिन पे नहीं जाएगा। NSAID, कुछ मेडिसिन जो मैं उनके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि जो आप ले रहे थे ना मैं उनको भी बंद करा दूंगा, ठीक है। तो NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि पेन रिलीफ करती है, बिल्कुल रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन को, जैसे एग्जांपल हो गया आइबुप्रोफेन, जिसमें एडविल, मोटरिन बी और अदर्स होते हैं, नेप्रोक्सेन, सोडियम, एलीव। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, स्टमक पेन, पेट दुखना, इरिटेशन होना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, स्ट्रोक बढ़ जाना, हार्ट अटैक में हार्ट स्ट्रोक बढ़ जाना, कार्डियक अरेस्ट आ जाना, हार्ट डिसीज हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाना। आए समझ में, दे कम इन द फॉर्म ऑफ क्रीम जेम्स, क्रीम जेल्स, ये जेल्स और क्रीम के फॉर्म में आते हैं, जो कि जॉइंट्स पे रब करने के काम आते हैं। काउंटर इरिटेंट्स की अगर हम बात करें, वेरियस क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में यूज होती है, जिसमें मेंथोल और कैप्सेसिन होता है, जो कि हॉट पेपर स्पाइसी होता है, जिसमें हॉट पेपर स्पाइसी मतलब जो स्पाइसी में हेल्प करता है, स्पाइसेस बनाने में हेल्प करता है। इसकी प्रिपरेशन को हम अगर जॉइंट्स पे लगाएं तो वो इतनी जॉइंट्स को वो
वो हेल्प करने में, वो हेल्प करती है मतलब इचिंग जॉइंट्स को रिमूव करने में। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे पेन सिग्नल के साथ भी ट्रांसमिशन, यानी कि हमारे ट्रांसमिशन और पेन सिग्नल से भी क्या करती है, इंटरफेयर करती है। यानी कि हमारे जो पेन सिग्नल होते हैं उनके ट्रांसमिशन होता है जॉइंट्स के अंदर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की वजह से, न्यूरो ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर्स की वजह से, उसमें भी इंटरफेयर कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही पैरालाइज स्टेट में चली जाएगी। जिसकी वजह से हमें अगर दर्द होना होगा तो नहीं होगा, जिससे हमें अगर दर्द हो रहा होगा और हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ दर्द हो रहा है तो उससे हम रिकवर नहीं हो पाएंगे और हमारी बॉडी धीरे धीरे डेड होती चली जाएगी। स्टीरॉइड्स की अगर हम बात करें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस की अगर हम बात करें, जिसमें बोलते हैं प्रेडनिसोन रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन एंड पेन एंड स्लो जॉइंट डैमेज। जो प्रेडनिसोन है वो एक स्टीरॉयड है जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, पेन को रिड्यूस करती है और जॉइंट डैमेज को स्लो कर देती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें, मे बी गिवन एज अ पिल और एज इंजेक्शन, पिल्स की फॉर्म में यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं पेनफुल जॉइंट्स के लिए। इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि हमारे जो बोन्स होती है उनकी बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे कि जो कैल्शियम लेवल है मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से बोन्स होती है पतली होनी शुरू हो जाती है, हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाता है, हमारी जो बोन्स है वो दिखने लग जाती है, वेट गेन हो जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है। ठीक है, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसे हम डिमार्ड भी कहते हैं, DMARD, दीज ड्रग्स कैन स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सेव द जॉइंट्स एंड अदर टिश्यू फ्रॉम परमानेंट डैमेज। ये जो ड्रग्स होती है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को कम कर देती है, बढ़ने को रोक देती है, एंड सेव द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स को बचा लेती है, एंड अदर टिश्यूज फ्रॉम परमानेंट डैमेज, और बाकी टिश्यूज को भी परमानेंट डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। इन एडिशन टू कन्वेंशनल डिमांड, अगर हम कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मेथड से डिमांड के अगर हम उन्हें यूज करें तो वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, और डिमांड यानी कि टारगेटेड सिंथेटिक डिमांड्स। ठीक है, और वो जो है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स को टारगेट करती हैं। साइड इफेक्ट्स में भी साइड इफेक्ट्स वैरी करती हैं, बट ये आपके इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकती है। अगर हम बात करें साइंटिफिक बेसिस ऑफ ये अर्थराइटस की, तो कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूँ कैसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट आता है आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा क्या होता है भैया, हमें तो पता ही नहीं आयुर्वेदा क्या होता है, अभी बताता हूँ। आयुर्वेदा एक ऐसा प्रूवन यूजफुल मेथड है जिसमें हमारी एक ब्लेसिंग है ये आयुर्वेदा, जिससे हर पर्सन जो है वो किसी भी फॉर्म में ठीक हो सकता है इफेक्टिव नेचुरल टेक्निक और इंग्रेडिएंट्स के थ्रू। लाइकवाइज आयुर्वेदा हैज मेनी इफेक्टिव हर्ब्स दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अर्थराइटिस, जो कि अर्थराइटिस को इफेक्ट से रिड्यूस कर सकता है एंड प्रोवाइड अस रिलीफ एंड हार्मनी विदाउट कॉजिंग एनी साइड इफेक्ट एंड हार्म टू द बॉडी। बताऊं कैसे, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स है जैसे निरगुंडी। निरगुंडी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपरली यूज होती है जॉइंट पेन के लिए। निरगुंडी को आप यूज करो स्वेलिंग को कम करने के लिए, एक्सेसिव पेन को कम करने के लिए। इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी कन्वल्सिंग प्रॉपर्टी होती है, जो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे जॉइंट को रिकवर करने में हेल्प करती है, हमारी हेल्थी स्टेट को वापस लाने में हेल्प करती है, वो भी नो टाइम यानी कि बिल्कुल कम टाइम में हेल्प करती है, कुछ टाइम ही लेती। द लीफ ऑफ द प्लांट निरगुंडी आर बिलीव टू हैव मैक्सिमम बेनिफिट। जो प्लांट्स के लीफ होती है, निरगुंडी की लीव्स होती है, पत्ते होती है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ज्यादा चमत्कारी होते हैं। फॉलोड बाय स्टेम, जिसकी जो स्टेम होती है, जो जड़े हो जड़े नहीं, उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है जिससे लीफ निकल रही होती है, उस डंडी को तोड़ लो, एंड द सीड्स। द प्लांट इज बिटर इन टेस्ट, ये थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, लेकिन इसकी जो गर्म गर्म पोटेंसी यानी कि जो पित्त बैलेंस करने की जो वो होती है ना, पित्त बैलेंस करने की स्टेट होती है, और मेकिंग इट इवन मोर इफेक्टिव फॉर एलिंग जॉइंट्स। और ये कुछ ऑयल्स की फॉर्म में भी आती है, जिससे हमारी बोन्स पे हमारे जो जॉइंट्स पे इसे रब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो इजीली क्या हो जाए, एक हीट थेरेपी की तरह काम करे, जिससे हमारी थर्मल थेरेपी की तरह, हीट थेरेपी की तरह हमारे जो बोन्स है, हमारे जो जॉइंट है वो रिकवर होने शुरू हो जाएंगे। यू कैन यूज द निरगुंडी ऑयल, निरगुंडी का तो तेल भी आता है, और उसे हम अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट्स पे। मेक अ पेस्ट ऑफ लीव्स, इसका पेस्ट जो इसे कूट सकते हैं, इसकी चटनी बना लो लीव्स की, एंड अप्लाई, और ऑल्सो मेक अ लीव डिकॉशन, इसका काढ़ा भी बना सकते हो, इसके पेस्ट भी बना सकते हो, और इसकी ऑयल भी बना सकते हो। अजवाइन की अगर हम बात करें, अजवाइन आज के टाइम पे किसी घर में नहीं मिलती, बताओ मुझे। अजवाइन अगर जिसके घर पे है ना, लाइक करो फटाफट से, अगर किसी के घर पे नहीं है वो भी लाइक करो, मुझे नहीं पता। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अजवाइन के जो सीड होते हैं, अजवाइन के बीज होते हैं, जैसे हम अजवाइन कहते हैं, मेक फॉर अ ग्रेट फूड टू हील अर्थराइटिस पेन। ये जो अर्थराइटिस पेन होते हैं इसे भी कम करने में हेल्प करते हैं। अगर सर्दियों की बात करें, सर्दियों में जो अजवाइन होती है वो वेरी हैंडी, यानी कि बहुत हाथों में हाथ आ जाती है, हर जगह मिलती है, एनेस्थेटिक होती है, यानी कि पेन को कम करने में हेल्प करती है, डेट बैन नहीं करती, और डेट फर्दर हेल्प्स इन रिलीविंग एक्सेस पेन, और ये एक्सेस पेन को कम करने में हेल्प करती है ड्यू टू द निपी वेदर। निपी वेदर मतलब जो हल्का हल्का नमी वाला वेदर होता है, उसे उसमें हमारे बोन्स को इफेक्टिवली ट्रीट करती है। एड अ स्पून फुल ऑफ कैरम सीड, जो ये होती है ना अजवाइन होती है, इसे क्या करो, गर्म पानी के अंदर डाल दो टब, यानी कि ग्लास में डाल दो, एंड सोक योर एकिंग। अच्छा हाँ, टब में भी डाल सकते हो, अगर आपको वो पैर डुबोनी है
तो भी कर सकते हो, वरना इसे गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबो के रखो, एंड दिस विल हेल्प ईज स्वेलिंग, और ये आपके स्वेलिंग को कम कर देगी, पेन को कम कर देगी, ऑस्मोलिसिस हो जाएगी ना, ऑस्मोलिसिस मतलब प्लाज्मा लिसिस हो जाएगी, जिससे आपके जो सेल्स है वो अननेसेसरीली जो लाइसोसोम रिलीज कर रहे हैं वो आपकी बॉडी से निकल जाएंगे, जिससे आपकी बोन्स जो है पहले जैसी हो जाएगी। अनदर वेज टू क्रश दी सीड्स, इन सीड्स को क्रश करो और इसका जो पाउडर बनेगा उसे पेस्ट की तरह अप्लाई करो, पेस्ट ना लो उनका, एंड अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरिया, और इसे अफेक्टिव एरिया पे ट्रीट करो, जिससे कि वो पेन को कम करेगी। आप इसे अजवाइन गर्म पानी के साथ पी भी सकते हो, ठीक है। दशमूल की अगर हम बात करें, दशमूल का जो होते हैं ना, दशमूल के जो पेड़ होते हैं उसमें ना 10 मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं। ये जो दशमूल होते हैं वो 10 मेडिसिनल हर्ब का मिक्सचर होता है, जो कि यूज करता है एज अ एलमेंट, एज अ काढ़े की तरह, या फिर एज अ ये रामबाण इलाज है जो कि हमारे अर्थराइटिस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। दशमूल की अगर हम बात करें तो ये 10 रूट से मिलकर बने हैं। दशमूल, दश मीन्स 10 और मूल मीन्स जड़े, 10 रूट 10 जड़ों से मिलकर बने, जिसमें से 5 जो जड़े होती है वो पेड़ों की होती है और 5 जो जड़े होती है वो शर्ब यानी कि जो झाड़ियों की होती है। दीज इंक्लूड, इसमें आते हैं पटाला, गंभारी, बृहति, शलपर्णी और भी ज्यादा। दशमूल और दशमूला को अगर हम बोलें तो ये बहुत इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करने में हेल्प करता है, जिसे हम वात रोग कहते हैं। इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक दर्द नहीं होता, सेडेटिव नींद आती है, इसे अच्छी नींद आती है और बहुत अच्छी नींद आती है, फ्रेश फील होता है, हेल्प क्योर ज्वाइंट पेन, इससे हमें ज्वाइंट पेन कम से कम होता है, एंड इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड पाउडर, या ऑयल के फॉर्म में भी आते हैं और पाउडर के फॉर्म में भी आते हैं। आप इसे अमेजोन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे पाउडर के फॉर्म में। शलाकी की अगर हम बात करें, शलाकी हर्ब स्ट्रेंथन योर ज्वाइंट फ्रॉम विद इन एंड एलिवेट्स पेन। अगर हम बात करें शलाकी हर्ब की, तो शलाकी हर्ब स्ट्रेंथन योर ज्वाइंट फ्रॉम विद इन एंड एलिवेट्स पेन। जो शलाकी है वो हमारे बोन्स के अंदर जाके हमारे बोन्स को, हमारे ज्वाइंट्स को अंदर जाके ज्वाइंट को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है और हमारे पेन को कम करती है। पॉपुलरली नोन एज बोसवेला, ये हमारी जो मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज करके जो स्वेलिंग होती है उसे कम करती है। ये हमारी बोसवेलिया सेरेटा बोलते हैं इसे, बोसवेलिया सेरेटा। शलाकी जो होती है उसे हम एसेंशियल ऑयल और पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जिंजर की अगर हम बात करें, अदरक, अदरक सॉरी अदरक बोल दिया, अदरक अदरक। इज देयर एनीथिंग दिस सुपर फूड कांट डू, ये जो सुपर फूड है क्या ये कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जिंजर इज नॉन फॉर इट्स एक्सेप्शनल एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ये अपने एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ज्वाइंट पेन को भी कम करता है, स्वेलिंग को भी कम करता है। इट इज ऑल्सो नॉन टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, विच इज फ्रूटफुल टू कट डाउन पेन इन द अफेक्टेड एरिया, जो कि हमारे पेन कम करता है अफेक्टेड एरिया में। यू कैन ड्रिंक जिंजर टी, आप अदरक वाली चाय पी सकते हो। अरे क्या बोल दिया सर आपने, कौन नहीं पीता अदरक वाली चाय आज के टाइम पे? अदरक की चाय तो हर घर में बनती है, वो भी दो दो तीन तीन बार। यू कैन ड्रिंक जिंजर टी, अदरक की चाय पी सकते हो, या फिर अदरक का जो पेस्ट होता है, अदरक का जो पेस्ट बनता है उसे अपने जॉइंट पे लगा सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ गुड क्वांटिटी एसेंशियल ऑयल, इसके ऑयल भी आते हैं उसे भी आप लगा सकते हो। वेरियस एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, अब मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइजेस की। देखो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, ठीक है, आप करते हो सर, मैं भी करूंगा, प्लीज आप मत छोड़ना, आप मेरे ऊपर मत आया करो, ठीक है। चलो वेरियस एक्सरसाइजेज हेल्प यू ट्रीट अर्थराइटिस की अगर हम बात करें, वॉकिंग, बाइकिंग, स्विमिंग, वाटर एक्टिविटीज, आप वॉकिंग कर सकते हो, बाइकिंग, बाइकिंग कर सकते हो मतलब साइकिलिंग कर सकते हो, साइकिलिंग का है बाइकिंग नहीं, बाइक लेके मत चले जाना, साइकिलिंग का है, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, वाटर एक्टिविटीज करो, आर ऑल गुड नॉन ड्रग वेज, इसमें ड्रग्स की भी जरूरत नहीं होती, यानी कि मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती, और ये अर्थराइटिस पेन को भी ठीक करती है और ये एडल्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दिस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कैन ऑल्सो इम्प्रूव ज्वाइंट फंक्शन, ये ज्वाइंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इम्प्रूव मूड। अगर आपको लगता है ना हल्का सा भी कि आपके ये जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो सकती, या फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी आती, या फिर आप कमजोर हो चुके हो, आप वॉक नहीं कर सकते, आप बुजुर्ग हो चुके हो, मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, 9 तरीके बेड पे आराम करने के बाय दीपक अग्रवाल, आप जाके मेरे इस चैनल पे देखना, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और मेरे चैनल पे जाके देखना इस वीडियो पे, आपको मिल जाएगी 9 तरीके बेड पे आराम करने के। जल्दी से उस वीडियो को सब्सक्राइब करो, उस वीडियो को लाइक करो, और जल्दी जल्दी उस वीडियो को देखो और शुरू हो जाओ करना, मुझे आपके एक्सरसाइजेस चाहिए, ठीक है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है, अच्छी है वीडियो, बहुत अच्छी है, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताना। इट इज रिकमेंडेड दैट पीपल विद अर्थराइटिस बट मॉडरेटली फिजिकली एक्ट बी मॉडरेटली फिजिकली एक्टिव फॉर 150 मिनट्स पर वीक। जो रिकमेंडेड है कि जो पीपल अर्थराइटिस के जो फिजिकली वो एक्टिव है, यानी कि बी मॉडरेटली फिजिकली एक्टिव फॉर, अगर वो 150 मिनट्स पर वीक एक्टिव रहे ना, तो उससे क्या हो सकता है, उनका अर्थराइटिस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। वॉक करो, थोड़ा सा ऐसे चल फिर लिया करो, टहलते रहा करो। अगर हम बात करें योगासन की, एक है पश्चिमोत्तान आसन, जिसे हम फॉरवर्ड बेंट पोज भी कहते हैं। क्या होता है, योगा मैट पर बैठना है, आगे की तरह झुकना है ऐसे, ठीक है, और लेग्स को टच करना है, इनहेल करना है, रेज योर हैंड ऊपर जाना है, फिर उसके बाद स्ट्रेच करना है, फिर उसके बाद नीचे आना है और छोड़नी है सांस को, ठीक है, ऐसे करना है आपको।
एक प्रोसेस आप देख सकते हो, स्लोली लोअर योर हेड टू योर नीज, ऐसे झुकना है आपको नीचे की तरफ और आपको ऐसे आसन करना है, ठीक है। वीरभद्र आसन, वीरभद्र आसन एक ऐसा आसन होता है जिसे हम वॉरियर पोज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सीधा खड़ना होता है, लेग्स को स्ट्रेट रखना होता है, वाइड पार्ट दूर दूर रखना होता है, और राइट फुट को 90 डिग्री, अपने राइट फुट को 90 डिग्री पे रखो और अपने लेफ्ट फुट को 15 डिग्री पे रखो। लिफ्ट योर आर्म साइडवेज, अपने आर्म्स को साइडवेज रखो टू शोल्डर लेंथ विद पाम्स फेसिंग टुवार्ड्स द सीलिंग, और अपने जो शोल्डर है पाम्स है उनको सीलिंग की तरफ फेस करो। बेंट योर नीज, अपने नीज को बेंट करो, अपने हेड को राइट तरफ देखो, ठीक है, अपने हेड टू द राइट, होल्ड द पोजिशन एंड स्ट्रेच योर आर्म फर्दर, स्लोली कम अप, पुट योर हैंड्स डाउन एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन। चक्र वक्र आसन की अगर हम बात करें, इसे हम कैट और काउ पोज भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कैट, ये हमारा कैट पोज होता है, और ये हमारा काउ पोज होता है नीचे वाला, और ये हमारा कैट पोज होता है ऊपर वाला। इसमें क्या होता है कि हम अपने नीज को और ऐसे हैंड्स को ऐसे बैठते हैं और इसे हम अपने हिप्स के पास रखते हैं, ठीक है, अंडर योर शोल्डर एंड योर नीज अंडर योर हिप्स, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, हम स्लोली इनहेल करेंगे, टेक द काउ पोज, दैट इज पुश योर एब्डोमेन डाउन, ये होता है काउ पोज, ठीक है, उल्टा बोल गया सॉरी, ये होता है काउ पोज, जो कि जिसमें हमारे स्टमक को हमें नीचे करना होता है और हमें ऊपर देखना होता है ऐसे, ठीक है। और जो ड्रॉ द शोल्डर ब्लेड्स अवे फ्रॉम द ईयर, और उसके बाद लिफ्ट योर चेस्ट चिन एंड रेज योर बॉडी अपवर्ड्स, ठीक है, ड्रॉ द शोल्डर ब्लेड्स अवे फ्रॉम द ईयर, अपने शोल्डर वेव्स को ईयर से दूर लेके जाओ, ठीक है। एक्सहेल एंड स्लोली टेक आउट द कैट पोज, एक्सहेल करो और कैट पोज यानी कि ऐसे कुंभ निकाल के बैठ जाओ, लिफ्ट योर एब्डोमेन एंड पुश इट टुवर्ड्स योर स्पाइन, अपने जो ईयर्स को अपने शोल्डर के पास लेके आओ। त्रिकोण आसन की अगर हम बात करें, त्रिकोण ट्राइंगल पोज भी कहते हैं जिसे हम, इसमें हमें स्ट्रेट करना होता है, लेग्स को दूर दूर रखना होता है, इनहेल करो एक्सहेल करो, अपनी बॉडी को बेंट करो राइट की तरफ डाउनवर्ड फ्रॉम योर हिप, अपने हिप्स को डाउन, अपने झुको, रेज योर हैंड स्ट्रेट, अपने हैंड को ऊपर लेके जाओ, एंश्योर योर राइट हैंड इज पैरेलल टू योर राइट ईयर, आपका जो राइट हैंड है वो आपके राइट ईयर की तरफ हो, ठीक है। रेस्ट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर स्किन, अपने स्किन के ऊपर लेफ्ट हैंड को रेस्ट कराओ, ठीक है। और एंकल ऑन द फ्लोर वाइल योर राइट हैंड इज स्ट्रेच टुवर्ड्स द सीलिंग, और आपका जो राइट हैंड है वो स्ट्रेच होना चाहिए सीलिंग की तरफ। योर बॉडी शुड बी बेंट साइडवेज एंड नॉट बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आपकी जो बॉडी है साइडवेज बेंट होनी चाहिए, ना तो फॉरवर्ड होनी चाहिए ना बैकवर्ड होनी चाहिए। एज यू इनहेल कम अप एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे आप इनहेल करो स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाओ, नाउ रिपीट द सेम ऑन द अदर साइड। करके देखो इसे, ऐसे नहीं सुनना, करके देखा करो, सुबह से भी करना शुरू करना, ठीक है। वृक्षासन की अगर हम बात करें, ऑल्सो कॉल्ड ट्री पोज, इसे हम ट्री पोज भी कहते हैं, जिसे हम वृक्ष की तरह खड़े होते हैं, स्टैंड स्ट्रेट विद आर्म्स बाय योर साइड, सीधा खड़ा होना है, आर्म्स को अपने साइड में रखना है, कानों के ऊपर उठा लो, बेंड योर राइट नी एंड प्लेस योर राइट फीट अपॉन द लेफ्ट थाई, अपने राइट फीट को उठाओ और अपने लेफ्ट थाई पर रखो। एज यू फाइंड योर बैलेंस, इनहेल एंड रेज योर आर्म ओवर हेड, जैसे अपना बैलेंस बना लो, अपने आर्म्स को ऊपर लेके जाओ फ्रॉम द साइड्स, ब्रिंग योर पाम टुगेदर एंड फॉर्म अ नमस्ते पोज, ठीक है। लुक स्ट्रेट अहेड, हो गया भी, जल्दी हो गया। लुक स्ट्रेट अहेड, होल्ड द पोज एंड एंश्योर दैट योर स्पाइन इज स्ट्रेट, अपने आप को देखो और देखो कि आपके जो ये रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट है कि नहीं। एक्सहेल एंड स्लोली ब्रिंग योर डाउन योर हैंड्स, अपने हैंड्स को फिर से वापस लेके आओ और उसे दूसरी लेग के साथ ट्राई करो। इसमें हमने बात की कॉन्क्लूजन के बारे में, जिसमें हमने बात की अर्थराइटिस के बारे में, इस समअप करें तो अर्थराइटिस इज टाइप ऑफ डिसीज जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जॉइंट्स के अंदर, ये एक सीवियर एंड के एकिंग सेंसेशन की तरह होती है, डीकंफर्ट कॉज करती है, जो कि चिल्ड्रन में ज्यादा नहीं होती है लेकिन जो फीमेल्स होती है उनमें बहुत ज्यादा होती है, मेल्स में भी होती है लेकिन फीमेल्स में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ही होता है। अर्थराइटिस अगर हम बात करें, अर्थराइटिस इन कॉमन टर्म मींस पेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, अगर हम बात करें अर्थराइटिस की तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है जिसमें हमारे पास जॉइंट होते हैं, अगर जॉइंट पेन नहीं होता और इन्फ्लेमेशन हो रही है, या फिर जॉइंट पेन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं आर्थ्रेलजिया, जिसे हम डिसीज कॉज कर सकते हैं, डिसीज होती है जैसे सॉफ्ट टिश्यू में, जॉइंट्स में, लिगामेंट में, टेंडन में, उसकी वजह से हो सकता है। डिजेनरेटिव अर्थराइटिस की अगर हम बात करें, जिसे ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें हमारी बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, एंड जनरली आर डिसीज ऑफ लार्ज बियरिंग जॉइंट्स ऑफ लो एक्सट्रीमिटीज, जिसमें निप्स में, नीज और हिप्स में होती है। इन एडिशन जो ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है वो कॉमनली हमारी डिस्टल इंट्रा फेरेंजियल यानी कि हमारे जो फेरिंग्स और लेरिंग्स होते हैं उनके जो डिस्टल पार्ट यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके, और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं जो कि ये होती है कलाई जो कार्पल होती है, और ये जो होती है ये होती है मेटाकार्पल, ठीक है, स्पेशली इन वुमेन, ये वुमेन्स में होती है। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ केसेस, बहुत नंबर ऑफ केसेस आ चुके हैं और 2030 तक और भी आएंगे, ऑल्दो काफी ज्यादा मेडिसिन आ चुकी है जैसे कि स्टीरॉयड्स, आइबोप्रोफेन, एनएसएआईडी, काउंटर इरिटेंट, डीमार्ट, डाटा ट्रीटेबल, ट्रीटेबल तो है बट काफी साइड इफेक्ट्स हैं इसके जो हमारी बॉडी पे हार्म करने वाला है, बट मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे आयुर्वेदिक मेथड्स जो आपकी डेली लाइफस्टाइल और आपकी डेली एक्टिविटीज को बहुत अच्छा कर देंगे, और आप अपनी डेली एक्टिविटीज और डेली लाइफस्टाइल के थ्रू भी इसे परफॉर्म कर सकते हो, हेल्प टू ओवरकम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अर्थराइटिस।
There are various Ayurvedic herbs and yogasana that are scientifically proven to cure the detrimental effect of arthritis. ऐसे बहुत योगासन और आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट यानी कि खतरनाक इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करेंगे एंड रिलीज पेन एंड प्रोवाइड रिलैक्सेशन एंड हार्मनी टू द बॉडी. आई वुड बी थैंकफुल टू दीज ऑल रेफरेंसेज. ये जो रेफरेंसेज मैंने लिए हैं मैंने वेब पेजेस पर सर्च किए थे और इन रेफरेंसेज के थ्रू मैंने ये जो है रिसर्च रिव्यू पेपर लिखा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अभी के लिए आई विल आस्क फॉर योर लीव. तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना. मिलते हैं नई वीडियो में. तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप